वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर व्लॉग गाइस। आज एक और बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है मेरी लाइफ में, क्योंकि गाइस आज मैंने अपने बचपन का एक और सपना पूरा कर दिया है। तो गाइस जब मैं छोटा था, उस टाइम पे मुझे गाड़ियों के साथ खेलने का बड़ा शौक था, होते हैं टॉय कार्स वगैरह होती है जो बहुत सारी, तो उस वक्त शौक इतना था बट घर वाले मेरे लिए उसको खरीदते नहीं थे क्योंकि भाई वो बड़ी महंगी चीज है। तुम लोगों को पता है टॉय कार्स वगैरह क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक कार्स, रिमोट कंट्रोल्ड कार एक बेटर नाम होगा इसका, तो वो चीज बड़ी महंगी आती है, घर वाले कभी खरीदते नहीं थे। बट गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने खरीदी है। टेंशन तो गाइस अभी मैं इसके फर्स्ट टेस्ट ड्राइव लेने वाला, मैंने अभी तक इस गाड़ी को एक बार भी चलाया नहीं है, बट इसके लिए मेरे को अपनी दीदी की हेल्प थोड़ी लेनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक ही हाथ है भाई, दो हाथ है मेरे पे, एक हाथ नहीं है, तो इसको कैमरा पकड़ना पड़ेगा। हेलो, एक हाथ है तेरे पास, सिर्फ एक हाथ, दो हाथ है मेरे पास। तो दीदी देख यार फाइनली मेरा सपना पूरा होता है, तो याद होगा बचपन से लेके मम्मी जाजी ने मतलब उन्होंने लिया था, बट जितना हैसियत के हिसाब से ले सकते हैं ना थोड़ा। वैसे एक बात बोलूं, जब इसने ये ऑर्डर किया ना, मैं ये सोच रही थी कि इसमें क्या किया, इतना छोटा सा आया था, ये आई थी उसमें। यस, ये मेरी पर्सनल रिमोट कंट्रोल्ड कार है। कैसी लगी तेरे को? वाह यार, एक बार चला के देखूं। अभी मत चलाना भाई, तो मैंने टेस्ट करना भाई, मेरे को टेस्ट करना है इसको एक बार। टेस्ट का क्या मतलब, मैं नहीं कर सकती टेस्ट? नहीं कर सकती टेस्ट भाई। भाई मुझे एक बात बता, ये इलेक्ट्रिक ऑटो ठीक है, वो क्या मंगाया हुआ है फिर है? ये मैंने एक और चीज मंगाई थी एक्चुअली। द थिंग इज कि मैं ना अमेजोन पे शॉपिंग कर रहा था, मुझे ये वाली गाड़ी दिखी और मैं खुश हो गया, बचपन का सपना, क्योंकि जब मैं 2 साल का था ना तो उस वक्त मेरा सपना था इस गाड़ी को चलाने का। ठीक है, 2 साल याद भी नहीं होगा, कितनी बकवास करता है। जब मैं 2 साल का था गाइस, कितनी बकवास करता है, 2 साल में तेरे को बड़ा याद होगा कि मेरा। जब मैं 2 साल का था गाइस तो मुझे इस गाड़ी को चलाना था, इसलिए पहले ये ऑर्डर करी, फिर मुझे याद आया जब मैं 12 साल का था मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए थी, तो मैंने फिर दोनों ऑर्डर कर दिया। जब ये 40 साल का हो जाएगा तब इसको क्या, कौन सी गाड़ी चाहिए होगी? थार जो मैंने ऑलरेडी खरीद दी है। 40 साल में तो थार ये वाली गाड़ी आएगी, जीप खरीदूंगा मैं उस टाइम। ये तो ठीक है, ये गाड़ी आ जाओ, मुझे एक आइडिया है, एक काम करते हैं, इन दोनों की दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और देखते हैं कौन सी गाड़ी ज्यादा मजेदार है। क्यों? Obviously, यही करने वाले। चलो बाय द वे, जो मैं ये गिफ्ट खोल रहा हूँ अंदर देख रहे गाड़ी कितनी मस्त लग रही है। By the way, मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था गाइस, जब मैं 2 साल का था ना मुझे गाड़ी चलानी तो थी, बट मैंने ये किसी और के लिए गिफ्ट खरीदा है, बट इसका हम लोग आज कंपैरिजन करेंगे अपनी गाड़ी के साथ, ठीक है ना। वाओ, अगर डब्बा खुल जाएगा तो वाओ मजा आ जाएगा। ओ ये कितने क्यूट, क्यूट है, बहुत ज्यादा है ना। ओके, पर अगर मैं इसके ऊपर गाइस गलती से भी बैठूंगा तो इसका तो कचूमर निकल जाएगा इस गाड़ी का। राइट, बैठना भाई, बैठने के लिए थोड़ा लाइक। वाओ, ये बहुत अच्छी गाड़ी है। कितनी क्यूट, इसका स्टीयरिंग लगाता, इसका स्टीयरिंग गाइस लगाएंगे तो टें टें टें, कैसे लगता है ये? बाय द वे ये गाड़ी तो भाई हम ना गिफ्ट कर देंगे किसी को, इतनी क्यूट है यार ये गाड़ी। वाह, फाइनली गाइस मेरे टेडी के लिए इतने सालों के बाद एक गिफ्ट आ चुका है, तो इसको कितने पॉइंट देना चाहिए तू 10 में से इस गाड़ी को? यार इसको तो मैं 8 पॉइंट दूंगी, बहुत क्यूट है। बाय द वे इसमें स्टीयरिंग भी है, अभी स्टीयरिंग हमने लगाया नहीं इसको, हम जोड़ेंगे नहीं। अब बारी आती है मेरी पर्सनल कार की, जो किया है क्या ये रिमोट कंट्रोल कार। आ जाओ गाइस लेट्स, ये बच्चा मेरा व्लॉग खराब कर रहा है भाई। अबे बच्चे अपना हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ये यार ये चलती है, मुझे दे देना, मुझे तो मैच चलाती है। आगे देख, आगे देख, ट्रिप देख, और मैं बहुत अच्छा चलाऊंगी इसको, मेरे को दे तू, मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, मुझे दे तू। ये आई हमारी गड्डी, यहाँ से लेट्स। इतनी कम शो ऑफ कर रहा है, देखो तो इसको कितना शो ऑफ कर रहा है। शो ऑफ करने की चीज है भाई ये। अच्छा आप गैस कर, चल मैं तेरे को ना 2 प्राइसेस बताता हूँ, दोनों गाड़ी में तेरे को गैस करना कौन सी गाड़ी कितने की है। तूने अगर सही गैस कर, प्राइस बताया भी गैस कर सकते हो। एक ऑलमोस्ट 1800 की और एक 7000 की है। एक सेकंड, क्या एक 7000 समथिंग की है, मतलब ऑलमोस्ट 8000 की है, 8000 मान ले। एक बात बोलो, मुझे पर डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इन दोनों में से कोई भी गाड़ी 7000 की नहीं होनी चाहिए, मार खाएगा नहीं तो। एक 8000 की है और एक 2000 की है, मतलब अप्रोक्स। मैं एक बात बताऊं गाइस, अब मेरा मन तो यही कर रहा था कि मैं इसको ये 7000 की है नहीं, ये भी 7000 की है नहीं, तो तू पिट जाएगा। अब तू खुद बता कि 7000 की कौन सी गाड़ी है, बता जरा। 7000 रुपए खर्चता कोई गाड़ी के लिए है? ये हमारी गाइस ऑलमोस्ट 8000 की है, लगती नहीं है वर्थ इट, बट क्या करे भाई, बचपन का सपना। गाड़ी क्यों खरीदी? बचपन का सपना भाई, पैसा नहीं देखा जाता ना, सपने अनमोल होते हैं। इसके ये खुलती है, मतलब ये कुछ नहीं खुलता भाई, मतलब खुल सकता है ये। अगर मैं इसको ऐसे फेंक दूंगा तो खुल जाएगा खुद ही इसका। चल मैं मानती हूँ, चले 2000 रुपए की, ये फिर किसी बच्चे का काम आ जाएगी। ये किसके काम आनी, तेरे जैसे मेरे काम आनी है भाई। ये क्या पे टायर कैसे घूमता है,
असली है भाई, असली। इससे मैं क्या करूं, इसके अंदर सेल्स पड़े हैं। पता है कौन सी गाड़ी है? BMW। कभी देखिए सपने में भाई BMW कभी? इसको ना गाइस मैं इतना मारने वाली हूं, 7000 रुपए की इतनी यूज़लेस चीज, इतनी। इसके तो सपने में भी नैनो आती है। बकवास नहीं कर, बात नैनो की नहीं है, बात BMW की नहीं है, बात ये कि 7000 रुपए खर्चे इस चीज पे। मैं मैंने जान के खर्चे, क्योंकि मेरे को ना बचपन का सपना पूरा करना, मेरे को बहुत मन था। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, अब मैं चलाऊंगा। बचपन के सपने ना, रुक जा, बहुत मजा आ रहा है। देख रहे हो यार, देख रहे हो, एक इतना बड़ा बच्चा हो गया लेकिन दिमाग से अभी भी वही है। तू चुप हो जा यार, इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग से अभी पैदल ही है। नहीं मुझे खुशी है। क्या बोल रहे हो, छोटे बच्चे का दिमाग से पैदल होते हैं क्या? अबे तू है दिमाग से पैदल, बच्चे तो बच्चे होते हैं लेकिन। भाई देख तो सही क्या मस्त चल रही है। बात मस्त की नहीं है गाइस, अब मैं बता रही हूँ ना कि ठीक है मैं मानती हूँ बचपन का सपना पूरा किया लेकिन इतना महंगा, पर चलो क्या बोल सकते है, इसका पैसा, इसका सपना, इसकी गाड़ी, हम तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये मार जरूर खाएगा मुझसे। देखो अब गाड़ी बजा रहा है। हाँ, तोड़ दे उसको, 7000 रुपए की गाड़ी तोड़ दे बिल्कुल। The next day. देखो भाई मैं अभी तक सोया हुआ यहाँ पर, मेरे को लग रही थी ब्लॉग में बोलने कि क्या गाड़ी खरीदी, क्या फालतू की गाड़ी खरीदी, और खुद सुबह सुबह खुद ही आके लगी हुई खेलने यहाँ पे इस गाड़ी से, मेरे को बोल के कि क्या फालतू गाड़ी है, क्या खर्चा कर दिया, ये है वो है, और मेरे रूम में आके लगी इस गेम से खेलने। पर क्या बोलती है इससे पहले, क्या मजा आता भाई, क्या बढ़िया गेम है भाई। ऐसा नहीं बोला मैंने, क्यों मजा आता भाई, मैंने बोला कि जब आप बोर हो रहे हो ना तो आप कुछ भी ऐसी हरकतें कर सकते हो गाड़ी में, तब बढ़िया तो है। चला जरा गाड़ी को, चला, और मेरी गाड़ी को ना पर ठोक मत भाई, ये खराब भी हो सकती है, 7000 की है ये। किसने बोला था 7000 की ऐसी छपरी गाड़ी लेने के लिए, थोड़ी बढ़िया गाड़ी लाता। लग तो रहा है कि उन्होंने ठग दिया, बट कोई नहीं, ठीक है। अरे यार जान उसके लगी हो फिर, ये ना 7000 की नहीं, ये हमारे को लग रहा था कि 2500-3000 की होती ना ठीक था, 7000 थोड़ा ओवर प्राइस है, ऐसे तो अच्छी गाड़ी है, छपरी नहीं बहुत अच्छी गाड़ी है। ये लो भाई फुल मजे लिए जा रहे, पर गाड़ी काफी ज्यादा सुंदर है, तुम लोग गौर से देखोगे ना, BMW है भाई, इसने ठोक ठोक के ना भाई मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी यार, कसम से। उसमें ना पैकेट में ऐसा लिखा था कि ये गाड़ी को जितना मर्जी बजा लो ये नहीं टूटने वाली। चुप हो जा, कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ, खुद से लगी है बोलने।